हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्टॉक का जमाना लाइस करने वाला, इस स्टॉक में गाइस हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में हमें 2 डेज पहले गाइस 6500 के लेवल से लेकर ऊपर 800 रुपीस से ज्यादा के मूव देखने को मिल चुके हैं सिर्फ 2 डेज के बीच में। और स्टॉक में गाइस हमें डेली 5% के अपर सर्किट पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और आज भी गाइस हमें 5% के अपर सर्किट पर क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉक को गाइस अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखें, गाइस अगस्त के मंथ से लेकर हमें 6 मंथ के बीच में गाइस 250% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, वो भी सिर्फ 6 मंथ के बीच में। और अभी भी स्टॉक में गाइस बुलिश मोमेंटम बरकरार है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक के चार्ट में देखेंगे, स्टॉक लगातार हायर हाई न्यू बनाते चला जा रहा है और स्टॉक में गाइस हमें इसके चैनल का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, जिसके बाद गाइस स्टॉक में आने वाले दिनों में गाइस हमें 8000 रुपीज से लेकर 10000 रुपीज तक के मूव आने वाले कुछ दिनों के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली। स्टॉक के चार्ट में अगर देखेंगे, स्टॉक जो 2 से 3 मंथ हो चुके थे चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन गाइस फाइनली हमें 2 डेज पहले ही स्टॉक में इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला। गाइस स्टॉक में गाइस उसके बाद हमें 8000 रुपीज से ज्यादा मूव स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अगर स्टॉक गाइस थोड़ा सा गिरावट में आता है 7700 या 7600 के लेवल के करीब, गाइस वहां पे बाय किया जा सकता है, लेकिन गाइस अगर इसी तरह से अपर सर्किट चलता रहा तो गाइस हमें 9000 से लेकर आने वाले दिनों में गाइस 10000 तक के लेवल देखने को मिलने वाले हैं। स्टॉक के गाइस अगर करंट लेवल से लेकर ऊपर में अपना टारगेट देखें तो गाइस फर्स्ट टारगेट जो हमारा 9000 का लेवल है, गाइस वहां तक देखने को हमें 12% के करीब टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद गाइस स्टॉक में अगर देखें हमें 25% के करीब टारगेट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें गाइस हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस काफी छोटा सा है गाइस 5% का, 7600 रुपीज का लेवल इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो गाइस स्टॉक में छोटा सा ऐसा लगाकर 7600 रुपीज का स्टॉक में आने वाले दिनों में गाइस 9000 से लेकर 10000 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की हमारी एनालिसिस जो थी पसंद आई होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।